अम्मा का हाथ पकड़ेगी। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक झटपट बनने वाली इंस्टेंट रेसिपी। तो ये है कलाकंद। तो आज यही मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली। शेयर क्या करूँ, इसमें सारी चीज़ें बताई रहती है कैसे बनाना है, क्विक बन जाता है ये चीज़ें जो है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, एक पूरे पैकेट को एक पैन में डाल दिया है, नॉनस्टिक पैन में। और अब इसी के साथ हम डालेंगे दूध। तो यहाँ पे मैंने एक कप दूध का यूज किया है इस पाउडर के साथ। और उसके बाद बस बहुत ही सिंपल तरीके से इन्हें फेंटना है। तो एकदम अच्छे से इन्हें फेंट लेना है, इनमें कोई भी गुठलियाँ ना रहे, एकदम अच्छे से इन्हें फेंट लें। गैस जो है एकदम धीमी आंच करके रखें आप गैस का, और उसके बाद एकदम अच्छे से फेंट लें। और उसके बाद इसमें डालें 2 चम्मच घी। तो यहाँ पे मैंने घी डाल दिया है, अच्छे से सबको फेंट लिया। और अब फिर से हम इसे धीमी आँच पर फेंटेंगे। हम इसे जब तक फेंटेंगे जब तक कि इसमें वो फटाफटा दूध का छेना जैसा जो होता है ना उस टाइप का हो जाएगा, तब तक हम उसे फेंटेंगे। तो यहाँ पे मेरा फेंटना हो चुका था, और साथ ही मैंने एक प्लेट ले ली थी, उस पर मैंने घी लगा दिया था ताकि जब मैं इसके ऊपर ये डालूँ तो चिपके ना तले में। तो घी लगाने के बाद मैंने इसके ऊपर डाल दिया सारे कलाकंद को, और उसके बाद उसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स जैसे इलायची का दाना तोड़ के डाला, फिर किशमिश, और डाला आलमंड्स का क्रश किया हुआ टुकड़ा। बस इसे मैंने फ्रीज में रख दिया 2 घंटे के लिए। और इधर मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि मेरा खाना भी बनके रेडी हो चुका था ऑलमोस्ट। तो दाल मैंने पालक वाली बनाई थी वही मैं आपको दिखा रही थी, और साथ ही साथ मैं सब्जी भी बना रही थी, चावल बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, तो चावल ये जो मैं डेली वेयर में यूज करती हूँ वो लाडली राइस है, जो मैं बिग बास्केट से हमेशा मंगाती रहती हूँ। तो वो चावल मेरे घर में सबको खाना बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं वो राइस यूज करती हूँ। When an orb moving around the sun, car taking a turn on the road. Circular motion. It is a special shape of curvilinear motion. Example: When an object rotates in a manner. तो जैसा कि मैंने आपको बता चुका है पहले की वीडियो में कि माही का चल रहा है एग्ज़ाम्स, तो बस माही उसी का तैयारी कर रही थी सुबह उठ के। और इधर मैं क्या कर रही हूँ, नारियल, मेरा ऑल टाइम फेवरेट और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी सेहत के लिए। तो नारियल का पानी पीना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और यहाँ पे मैंने नारियल का पानी निकाला था लेकिन बहुत कम आपको दिख रहा हो। फिर माही को मैंने नारियल का जो ये है टुकड़ा, इसे मैंने फेंकने के लिए कहा, तो माही फेंकने गई तो माही ने कहा मम्मा इसमें और है, फिर से वो लेके आ गई। और फिर से अब आप देख सकते हो उसको फिर से मैंने लगाया कप के ऊपर, और आप लोग देख सकते हो कितना सारा हो गया ना, मेरा एक कप पूरा भर चुका है। और मुझे लग रहा था बस हाफ ही है इसमें, और मैं सोच रही थी कितना कम निकला इस नारियल में से, लेकिन बच्चे होते हैं ना बहुत ज़्यादा समझदार और जीनियस होते हैं वो ऐसे। पता है गाइस, मैं आज बहुत जल्दी उठी हूँ, 6:30 में कब से पढ़ रही हूँ, और अब 10 बज चुके हैं तो मैं 4 घंटे से फिजिक्स पढ़ रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने नारियल का पानी पी लिया है, और उसके बाद फिर से मैं आ गई थी रूम में, क्योंकि मेरा पार्सल आया था पर्पल से, तो कुछ मैंने मंगवाया था। तो देखिए आप लोग भी क्या क्या मैंने मंगवाया है। तो चलिए सबसे पहले इसे अनबॉक्स कर लेते हैं, स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। तो ये है सबसे पहले वैदी का फुट स्क्रब सोप, ये आप लोग देख सकते हो। तो ये फुट को क्लीन करने के लिए होता है, और रूखा टाइप का होता है, सोप ही होता है लेकिन रूखा टाइप का होता है। बहुत अच्छे से आपके फुट जो है क्लीन हो जाते हैं। और साथ ही साथ ये मैंने मंगाया है रेज़र, फेस रेज़र, वुमेंस फेस रेज़र। तो जैसा कि आप लोगों को मैं बताती रहती हूँ कि मैं घर में ही आईब्रो वगैरह सब कुछ घर में ही बना लेती हूँ, सो उसी के लिए मैंने उसे मंगवाया था। और उसके बाद यहाँ पे है गुड वाइब्स का सीरम, जो मेरा हम लोग हमेशा यूज करते हैं, और मेरा ख़त्म हो चुका था पहले वाला, इसलिए मैंने फिर से मंगवा लिया है। तो ये रहा मेरा गुड वाइब्स का सीरम। जंप 1 2 3 एक 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 छपक छपक।
मारेंगे, मम्मा का हाथ पकड़ेगी मारी, अरे नहीं पकड़ी नहीं पकड़ी, मारी मारेगी छलांग छपाक छपाक। तो होली की साफ सफाई शुरू हो चुकी है और इधर साथ ही साथ मैंने अपने कपड़ों को भी वॉश में लगा दिया है। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ अपना टैप जो मैंने न्यू मंगाया था और पिछले ब्लॉग में आप लोगों ने देखा भी है। 3 आवर्स के लिए उसके बाद मम्मी का हेल्प किया, तो मम्मी का हेल्प करने के बाद अब आप लोग देख सकते हैं मैं नहा के रेडी हो गई हूँ। मेरे बाल कर्ली हो गए क्योंकि मैंने इनको चोटियों में बांधा था। और ये है मेरा आउटफिट, तो ये मैं रेड वाला हुडी पहन रही हूँ, ये मम्मी के एनिवर्सरी में भी पहना था मैंने, तो ठंड जाने वाली है इसलिए मैंने इसे पहना है ताकि ये सध जाए। और उसके साथ है ये शॉर्ट सकते हो, तो ये है मेरा आज का आउटफिट। पसंद आया तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अब कुछ देर में मम्मी नहा के आएंगी तो उसके बाद हम लोग खाना खाएंगे। सो गाइस अब मैं एप्पल खा रही हूँ, मम्मा ने मेरे कट करके रखा है। देखिए इन्होंने पूरा मम्मी ने चाट मसाला काला नमक सब स्प्रिंकल करके दिया है। वैसे मैं आपको बता दूँ मैं एप्पल अभी इसलिए खा रही हूँ क्योंकि अभी खाना खाने का टाइम नहीं, घर का पूरा काम हो चुका है। तो चलो घर का काम होने के बाद सीधे मैं नहा चुकी हूँ और नहाने के बाद आपसे मिल रही हूँ। और मैं लगा रही हूँ फेस सीरम, तो बहुत दिन हो चुका है लगाए हुए क्योंकि ख़त्म था, इसलिए मैंने आज सोचा चलो आज फेस सीरम सबसे पहले लगाया जाए उसके बाद मॉइस्चराइज़र वगैरह। तो फाइनली मेरा नहाना धोना हो चुका और बहुत दिनों के बाद मैंने ये आज गाउन पहना। ये गाउन बहुत ओल्ड है, बहुत सारे वीडियोस में आपने मेरे देखे भी हैं इस गाउन को। तो बस आज मुझे ये मन कर रहा था पहनने का, जस्ट मैंने पहन लिया है। तो चलिए देखते हैं क्या खाया जाए। सो गाइस तो चलो हम लोगों ने खाना वगैरह खा लिया है और ये मैंने जो मिठाई बनाई थी आप लोग देख सकते हो, तो इसको मैंने फ्रिज में रख दिया था 2-3 घंटे के लिए। तो 2-3 घंटा के बाद ये इस तरीके से हो गया, देखती हूँ कट करके अभी। तो सबसे पहले तो हम इसे शेप दे देते हैं, कटिंग कर देते हैं धीरे धीरे, जिस भी शेप में आप चाहो उस शेप में इसे कट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने कर दिया कट, मैंने इसे कट कर दिया है और ये कलाकंद है आई थिंक, तो कलाकंद जो है थोड़ा गीला टाइप का ही होता है। चलिए अभी देखते हैं, कोशिश करते हैं निकालने का, ये निकलता है या नहीं। तो यहाँ पे ये आप लोग देख सकते हो ये हो गया 1 पीस एंड ये हो गया 2 पीस, तो ये हो गया 3 पीस। तो कोई बात नहीं, आप प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा ये टूट रहा है, तो क्योंकि कलाकंद जो होता है थोड़ा गीला टाइप का ही होता है, सो इग्नोर दैट। तो यहाँ पे मेरा मिठाई रेडी है अब यहाँ पे मैंने निकाल दिया है। तो चलिए अभी मैं माही को इसको टेस्ट करवाती हूँ। ये एकदम रेस्टोरेंट की तरह बना है जैसे रेस्टोरेंट में मिलता है और ये इजी टू मेक है, क्विक बनाने वाला ये स्वीट्स है। तो माही को ये रेसिपी अच्छा लगा, बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी है। तो चलिए अब हम ये खाते हैं और आपसे मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर, लव यू।